आज हमें शुरू करना है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि अभी तक हम टेंस में प्रेजेंट पूरा खत्म कर चुके हैं और अब हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट भी कर चुके हैं और पास्ट कंटिन्यूअस भी कर चुके हैं। अभी क्या करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि पास्ट में दो काम हुए हों, या ध्यान से सुनना, यदि पास्ट में दो काम हुए हों और एक काम दूसरे काम के पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं कि यदि पास्ट में दो काम हुए हों और एक काम दूसरे काम से पहले समाप्त हो गया हो, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो हम पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो हम किसके लिए? जो दूसरे काम से पहले समाप्त हो गया हो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? पास्ट, एक सेकेंड, सभी को सुनाई दे रहा है ना ठीक से? पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखो ध्यान रखना, जो जो पहले समाप्त हो गया है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो जो बाद में, जो बाद में होगा, क्या होगा? बाद में समाप्त होगा, जो बाद में समाप्त होगा उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट, जो आप पहले पढ़ चुके हो। मैं उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। अभी देखो समझ में आएगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखो, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो अब रोगी मर चुका था, ये काम पहले हो गया, तो ये क्या है? ये है पास्ट परफेक्ट, और ये डॉक्टर के आने से पहले, ये है पास्ट इंडेफिनिट। तो अभी हम ऐसे नहीं कि भाई इसको अलग से पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, नहीं। ये समझने के लिए है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब ये रोगी मर चुका था, ये है आपका पास्ट परफेक्ट। इसी तरीके के सेंटेंस होंगे पास्ट परफेक्ट में, जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल में पहुंच चुका था, या फिर जब मैं स्कूल में पहुंचा तब घंटी बजी, है ना? जैसे गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, एक काम पहले एक काम बाद में, समझ रहे हो? दो काम होंगे पास्ट में, एक काम प्लस एक काम, तो उसको हम डील करेंगे, हम सेंटेंस बनाएंगे पास्ट परफेक्ट की तरह, समझे? एक काम पहले और एक काम बाद में होता हुआ नजर आएगा। क्या होता है इसका नियम? पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम क्या होता है? सब्जेक्ट क्या है बच्चे, टाइम से जुड़ते नहीं, अभी बार बार। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, सॉरी, वर्ब की फॉर्म लगाने से पहले आपको यहां पर लगाना पड़ेगा हैड, क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हो, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको? हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की फॉर्म
कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बाद भी कुछ बचा तो हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे देखो, जब मैं उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी यहां पर आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए अलग अलग बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, सब में वही लगेगा, हैड 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 हैड, ठीक है ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखिए उदाहरण समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। नियम तो मैंने बता ही दिया कि आपको हैड लगाना है। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो क्या हो जाएगा? द थीफ। अब ध्यान रखना, मैंने आपको क्या कहा, जो काम बाद में हुआ है उसको हम डील करेंगे पास्ट परफेक्ट की तरह, वहीं से सब्जेक्ट उठा के लिखा जाएगा। द थीफ, याद रखना, ये पुलिस को पहले मत लिख लेना सब्जेक्ट के तौर पे। बताया ना मैंने, हम पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं, जो काम बाद में हुआ है वहीं से उठ के सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। चलो, द थीफ, फिर लगेगा हैड, और भाग जाना का होता है फ्लैट, भाग जाना का होता है फ्लाई फ्लू फ्लैड, फ्लाई फ्लू फ्लोन, फ्लोन होता है कि उड़न छू हो गया, पर यहां पर आएगा फ्लैड, एफ एल ई डी, फ्लैड अवे, भाग जाना। तो क्या है, द थीफ हैड फ्लैड अवे। अब इसका इस्तेमाल, अब इसका समझे, पहले आपने उस हिस्से को बना दिया, चोर भाग चुका था, द थीफ हैड फ्लैड अवे। अब इसका इस्तेमाल पुलिस के आने से पहले, यानी कि बिफोर द पुलिस केम, है ना। जैसे देखो, ध्यान से समझना पड़ेगा तभी बात बनेगी। जैसे घंटी बजने से पहले, क्या हो रहा है ये, मैं स्कूल पहुंच चुका था। तो अब देखो, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो ये क्या है, मैं स्कूल पहुंच चुका था, ये पहले हो गया और घंटी बाद में बजी, तो मैं इसको डील करूंगा पास्ट परफेक्ट की तरह, है ना। तो अब यहां से सब्जेक्ट उठ के आएगा मेरा आई, फिर हो जाएगा हैड, है ना, और पहुंच चुका था के लिए रीच्ड, आर ई ए सी एच ई डी, आई हैड रीच्ड कहाँ, स्कूल, आई हैड रीच्ड स्कूल, यहाँ तक हो गया। अभी फिर इसके दूसरे हिस्से को, इस हिस्से को, घंटी बजने से पहले, बिफोर द बेल रैंग, ठीक है ना। ध्यान से समझो और करता हूँ, जैसे गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, समझे, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, बताओ अब यहां पर क्या होगा। पहले मैं स्टेशन पहुंचा, यानी कि आई रीच्ड द स्टेशन, आप, और इस हिस्से को फिर करेंगे, अब इस हिस्से को, गाड़ी खुलने के बाद यानी कि
आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, समझना बात को, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि जो काम बाद में हुआ है, बोलो मैं स्कूल पहुंच चुका था, ये काम पहले हुआ था, तो इस काम को हमने प्रेजेंट परफेक्ट की तरह डील किया। जो काम बाद में हुआ है वो इंडेफिनिट की तरह डील होगा। जो काम पहले हो गया, दोनों काम में से जो काम पहले हो गया वो परफेक्ट की तरह डील होगा, पास्ट परफेक्ट की तरह, प्रेजेंट निकल गया मुंह से मेरे, पास्ट परफेक्ट की तरह डील होगा। तो अब यहाँ पे कौन सा काम पहले हो गया, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, तो गाड़ी खुलने का काम पहले हो गया, तो गाड़ी खुलने वाला जो हिस्सा है ये परफेक्ट की तरह डील होगा और इसमें लगेगा ये हैड या जो भी लगना है, है ना, ठीक है। अब मैंने पहले इसको लिख लिया, अब मैं स्टेशन पहुंचा, आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब आई रीच द स्टेशन पहले लिख लिया क्योंकि ये सहूलियत में लग रहा था, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, आसान हो गया। अगर आप इसको ऐसे ना करें और ऐसे करें जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मिटा दूँ इसको, मैं मिटा देता हूँ। अभी मैंने आपको जो तरीका बताया, क्या तरीका बताया, मैंने आपको बताया कि जो परफेक्ट है, परफेक्ट जो पास्ट परफेक्ट है उसको पहले लिखिए, यही यही तो बताया मैंने आपको। तो चलो जरा पास्ट परफेक्ट को पहले लिख लो। गाड़ी खुलने के बाद ये काम पहले हो गया, तो इसी को लिख दो पहले, आफ्टर द ट्रेन, और द ट्रेन सब्जेक्ट हो गया, आफ्टर पहले लगाना पड़ता है फिर, अगर आप इसको पहले लिखोगे तो आफ्टर पहले लगाना पड़ेगा, आफ्टर द ट्रेन, फिर यहाँ लगेगा हैड, और खुलना मतलब वही चालू होना, आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड मैं स्टेशन पहुँचा, आई रीच्ड स्टेशन, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहाँ थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि सर ये पहले क्यों लिख दिया, मतलब थोड़ा सा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा या जो भी, इसीलिए इस हिस्से को पहले रख लिया था मैंने। पर आप किसी भी हिस्से को पहले रखें, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो काम पहले हुआ है उसी काम को हम पास्ट परफेक्ट की तरह डील करेंगे, और उसी में हम हैड या जो भी नियम हमने लगाया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म वगैरह वो सब वो लगाएंगे। जैसे और प्रश्न करो, और मतलब और सेंटेंस करो, तब आपको आएगा। देखो, जब वे गए तो सूर्य अस्त हो चुका था, जैसे उदाहरण, जब वे गए तब सूर्य अस्त हो चुका था। तो अब देखो, सूर्य अस्त हो चुका था, ये काम पहले हुआ, समझे, ये काम पहले हुआ, और जब वो गए ये काम बाद में हुआ। तो बताओ किसको हम पास्ट परफेक्ट की तरह डील करेंगे, इसको पास्ट परफेक्ट की तरह डील करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप इसको पहले रखना चाहोगे तो द सन आप रखोगे, द सन हैड सेट, आप लिखोगे ना इसको, सूर्य को आप बना दोगे द सन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद लगेगा हैड, और फिर अस्त होने को आप लिखोगे सेट, द सन हैड सेट, है ना, और फिर इसके लिए जब वे गए तब, तो आप लिखोगे व्हेन दे, और गए का मतलब जाना कहीं पे, तो व्हेन दे लेफ्ट, तो ये हो जाएगा द सन हैड सेट व्हेन दे लेफ्ट, ठीक है ना। या फिर अगर आपको सहूलियत के लिए पहले इसको लिख लेना है तो आप इसको लिख सकते हो कि व्हेन दे लेफ्ट द सन हैड सेट, समझे, पास्ट परफेक्ट की तरह, लेकिन वही डील होगा जिसे आप जो काम पहले हो गया, जो काम बाद में हुआ
वो नहीं। एक और करो, जैसे जैसे जब हम लोग वहाँ पहुँचे, दावत प्रारंभ हो चुकी थी, तो क्या है, जब हम लोग वहाँ पहुँचे दावत प्रारंभ हो चुकी थी, या यूँ कह लो कि दावत शुरू हो चुकी थी, तो क्या होगा, दावत शुरू हो चुकी थी, ये काम पहले हो चुका था, तो इस काम को हम डील करेंगे पास्ट परफेक्ट की तरह, और इस काम को हम डील करेंगे इंडेफिनिट। तो अब जब हम लोग वहाँ पहुँचे, इसी को पहले लिख लो, इसमें सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ तो आपको नहीं नज़र आ रहा, तो अब लिखो, जब हम लोग वहाँ पहुँचे, व्हेन वी रीच्ड देयर, ठीक है। अब इसका दावत प्रारंभ हो चुकी थी या दावत शुरू हो चुकी थी, तो दावत का मतलब, दावत तो रात में ही होती है, आप दावत को डिनर लिख लो, या फिर अगर दिन की दावत है तो लंच लिख लो, जो आपको अच्छा लगे, आप लंच लिख लो दिन की दावत है तो। लंच हैड स्टार्टेड, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको ये थोड़ी समझोगे, मतलब ये थोड़ी है कि आपको बस ऐसा टुच्चा टुच्चा ही सेंटेंस मिलता रहेगा, हम खेले, हम कूदे, हमने पढ़ा, हमने दूध पिया, यही थोड़े ही। अब उसी हिसाब से सेंटेंस सीखोगे ना, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, है ना। जैसे जब जब मैंने उसे पीटा, तब वह गाली, यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है, खैर वैसे पहले तो आप सीख लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, और सेंटेंसेस करा देता हूँ मैं ताकि आपको हो जाए। तब वह गाली देने लगा। अब देखो, जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। अब इसको समझो, क्या ऐसा हुआ होगा कि मैंने अभी उसे पीटा और वो, मैंने सुबह उसको 10 बजे पीटा और वो शाम को 8 बजे गाली दे रहा होगा, मुझे गाली देने लगा होगा, नहीं ना, जब पीटा होगा तभी गाली देने लगा होगा ना। तो इस स्थिति में, पास्ट में जब दो काम हुए हों और दोनों काम एक के बाद एक इतनी जल्दी हुए हों कि उनके बीच समय का डिफरेंस ना पता चल रहा हो, समझ रहे हो, एक के बाद जैसे ही मैंने पीटा होगा, वो तुरंत उसने गाली दिया, वो तुरंत गाली देने लगा होगा, समझ रहे हो। तो जब दो काम एक के बाद एक हुए हों, इतनी जल्दी हुए हों कि उनके बीच के समय का डिफरेंस ना पता चल रहा हो, तो वहां पर दोनों ही आपको पास्ट इंडेफिनिट की तरह ही डील होंगे, दोनों ही। जब समय का अंतर पता चलता हो, जब मैं वहां पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, तो अब यहां पता चल रहा है कि वहां पहुंचा तो ट्रेन 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले जा चुकी होगी, यहां तो नहीं ऐसा, यहां तो पता नहीं चल रहा, यहां तो ऐसा लग रहा है कि तुरंत ही गाली देने लगा होगा, या फिर तब देने लगा होगा जब मैं चला गया होगा, मेरे से डर रहा होगा, मेरे जाते ही गाली देने लगा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे इसका क्या होगा, जब मैंने उसे पीटा, When I beat him, अब यहां देखो beat लगा रहा हूं, beat him, beat माने पीटना, when I beat him, तब वह गाली देने लगा, he began to abuse, अब ये began second form है verb की, begin, began, began, begun, बिगन थर्ड फॉर्म होती। आप लोगों को वर्ड फॉर्म दिया था ना याद करने के लिए, नहीं किया, करोगे तभी तो बात बनेगी, ही बिगेन टू एब्यूज। जैसे जैसे एक और उदाहरण दे सकता हूं मैं, जैसे ही क्लास खत्म हुई, विद्यार्थी बाहर चले गए या बच्चे बाहर चले गए, तो अब आपको पता है ना, बच्चे
क्लास के बाहर कब जाते हैं? जैसे ही क्लास खत्म होकर टीचर निकलेगा वैसे ही वो क्लास के बाहर निकल जाएंगे, है ना। तुरंत बैक टू बैक काम होगा तो काम दोनों कामों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे मैं लिख के बताता हूँ, जब क्लास खत्म हुई विद्यार्थी बाहर चले गए। तो अब जब क्लास खत्म हुई ये एक काम, विद्यार्थी बाहर चले गए ये दूसरा काम, और ये काम बैक टू बैक तुरंत, पता नहीं चल रहा इनके बीच डिफरेंस, समय डिफरेंस का। तो देखो, जब क्लास खत्म हुई यानी कि व्हेन द क्लास एंडेड, व्हेन द क्लास एंडेड विद्यार्थी बाहर चले गए, इसका बनेगा द स्टूडेंट्स वेंट आउट, ठीक है ना। यहाँ कॉमा लगा दो, व्हेन दोनों के एक ये हो गया अलग, एक ये हो गया अलग, तो दोनों के बीच कॉमा लगा दो, व्हेन द क्लास एंडेड। अब देख रहे हो आप कि जब ऐसा प्रश्न, ऐसा सेंटेंस आ रहा है जिसमें दोनों ही कामों के बीच में ज़्यादा अंतर समझ नहीं आता, लगता नहीं है कि इन दोनों कामों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस रहा होगा, तो दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट की तरह डील हो रहे हैं। और जब दोनों पास्ट इंडेफिनिट की तरह डील होते हैं तो दोनों में से किसी में भी हैड का प्रयोग नहीं हुआ, देख रहे हो, ना ही इसमें हैड का प्रयोग हुआ, ना ही इसमें हैड का प्रयोग हुआ, देख रहे हो, किसी में हैड का प्रयोग नहीं हुआ। तो ये थोड़ा बदलाव है, ये सेंटेंस बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं बताऊं, जब खेल समाप्त हुआ दर्शकगण चले गए, दर्शकगण मतलब देखने वाले चले गए। तो अब देखो, जब खेल समाप्त हुआ एक, दर्शकगण चले गए दो, और ये बैक टू बैक, भाई खेल खत्म होने के बाद थोड़ी बैठे रहे होंगे स्टेडियम में, खेल खत्म होने के बाद चले जाते हैं, पर कितने देर बाद गए कुछ कन्फर्म सा नहीं हो रहा है। तुरंत एक आध मतलब खिलाड़ी निकले होंगे और लोग जाने लगे होंगे, यही होता है ना, कहीं भी कोई भाषण हो रहा हो, असेंबली ही होती है तुम्हारे स्कूल में, देखते हो कैसे होता है, असेंबली ख़त्म हो के पहले ही बालक जाते हैं, और बालक गए नहीं कि मास्टर भी गए नहीं, तुरंत है ना, तुरंत। तो जब खेल समाप्त हुआ दर्शकगण चले गए, तो क्या होगा, व्हेन द प्ले एंडेड, और दर्शकगण चले गए का होगा द, अब दर्शक को हम या तो ऑडियंस लिख सकते हैं या स्पेक्टेटर्स लिख सकते हैं, स्पेक्टेटर्स मतलब देखने वाले, है ना, स्पेक्टेटर्स लेफ्ट, लेफ्ट अवे, या फिर वेंट होम, अब घर चले गए तो लिखा नहीं, अच्छा घर चले, दर्शकगण घर चले गए लिखा होता तो मैं लिखता वेंट होम, लेकिन सीधा लिखा चले गए, तो द स्पेक्टेटर्स लेफ्ट, छोड़ गए, लेफ्ट का मतलब छोड़ गए स्टेडियम, समझे। जैसे और उदाहरण देखो, देखो खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया, जैसे खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया, खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया। तो अब ये देखो, पहले काम क्या किया, उसने अपना मुंह धोया और बाद में खाना खाया, तो पहले वाला जो काम है उसको हम पास्ट परफेक्ट की तरह डील करते हैं, पर यहाँ दोनों के बीच समय का अंतर ही नहीं लग रहा बिल्कुल, क्योंकि तुरंत ही धोया होगा उसने, तो जब समय का बिल्कुल ही ज़्यादा अंतर नहीं होता तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट की तरह डील होने लगते हैं। तो अभी क्या आएगा, उसने अपना मुंह धोया, थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है तो इसको हम पहले कर लेते हैं, ही वॉश्ड
हिज माउथ, ब्रश करने वाला दिमाग में आ रहा है तो माउथ लिख दो, चेहरा धोने वाला, मुंह को लोग चेहरा भी समझ सकते हैं कि भैया मुंह धोया कह देते हैं कॉमनली, वो चेहरे को ही कहते हैं, चल पहले अपना मुंह धो गया, चेहरे के लिए कह देते हैं, पर मुंह धोया मतलब माउथ, ही वॉश्ड हिज माउथ है ना बिफोर ही एट। देखो वर्ब की फॉर्म बदल के ही लगेगी, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी, याद रखना। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म तब लगेगी जब पास्ट परफेक्ट होगा, समझे, जब पास्ट परफेक्ट होगा। इज दैट क्लियर सभी को? इतना आया सभी को समझ में? बोलो, बहुत सारे सेंटेंसेस कर दिए मैंने, अब आया समझ में? बोलो। चलो आया समझ में, तो अब जरा करने की कोशिश करेंगे, तो मैं उसके लिए कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूँ। अब बस इसी में अगर नेट आ जाएगा, सॉरी नहीं का प्रयोग होगा, तो हम नॉट लगा देंगे जगह पर। आपको पता ही है कि नॉट कहाँ लगता है, अगर हेड हेड आया तो हेड के तुरंत बाद लग जाएगा, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, है ना। अगर सिंपल है, आपको पता है ना कि सिर्फ नेगेटिव है, सिर्फ नेगेटिव, तो इसमें हेड के तुरंत बाद नॉट लगेगा। अगर इंटरोगेटिव है, प्रश्न है, तो हेड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, है ना, समझे ना, समझे ना, हेड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट। लेकिन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हेड नॉट, ऐसे हेडंट, ऐसे करके भी लिख देते हैं और फिर सब्जेक्ट, तो भी चल जाता है काम, समझे ना। पर ऐसे लिखते हैं, ज़्यादातर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ रहे हैं, आप सेंटेंस करना शुरू करेंगे। चलो मैं एक दो तो आपको नेगेटिव और वैसे भी करके ही दिखाई देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कह रहा हूँ मैं। जैसे इससे पहले मैंने ताजमहल नहीं देखा था। अब यहाँ पर कोई दो काम नहीं है, एक ही काम की बात कर रहा है कि इससे पहले मैंने ताजमहल नहीं देखा था। तो मैंने ताजमहल नहीं देखा था, यानी कि आई हैड, फिर इसके बाद आएगा नॉट, है ना, फिर सीन, थर्ड फॉर्म, आई हैड नॉट सीन, ये थर्ड फॉर्म है द ताजमहल। और इससे पहले का मतलब बिफोर, आई हैड नॉट सीन द ताजमहल बिफोर, है ना। जैसे ही, जैसे वह बचपन से ही सत्यवादी नहीं था, मतलब हमेशा झूठ बोलता रहता था, सत्यवादी नहीं था, एक ही काम है इसमें, तो ही हैड और इसके बाद नॉट। और यहाँ पर बीन लगा दो, क्योंकि बचपन से अब तक की बात कह दी, ये थोड़ा सा ये आगे सीखोगे आप, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसे छोड़ दो, बीन लगाने पड़ रहा है ना, क्योंकि बचपन से अब तक की बात कर रहा हूँ, कि बचपन से ही सत्यवादी नहीं था, मतलब बचपन भी नहीं था और अभी भी नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूस भी आएगा तब होगा उसमें। और दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे जैसे मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी नहीं खुली थी। अब देखो, मेरे स्टेशन से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, एक तो ये होगा, या फिर मेरे स्टेशन से पहले गाड़ी नहीं खुली थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं खुली थी, तो ये दो पार्ट हो गए, ये एक, ये दो। अब यहाँ पर कौन सा काम पहले हुआ? मेरा स्टेशन का पहुँचना, ये पहले हुआ। कौन सा पहले हुआ, मेरा स्टेशन का पहुंचना या गाड़ी का नहीं खुलना, कौन सा पहले हुआ बोलो? गाड़ी का नहीं खुलना, क्योंकि गाड़ी वहां पहले से थी, गाड़ी नहीं खुली थी, तो ये आएगा आपका पहले, पहले।
और इसको डील करेंगे हम बाद में, क्योंकि मैं स्टेशन बाद में पहुँचा हूँ, गाड़ी अभी भी वहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप पास्ट परफेक्ट की तरह डील करेंगे, और नहीं जिसमें लगा है उसी में नॉट लगाएंगे। तो गाड़ी नहीं खुली थी का हो जाएगा द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड, है ना। और फिर अब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले इसको बना लो, तो ये हो जाएगा बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, समझे ना। कोई बहुत, अब एक बार आप बनाने लगोगे आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे अगर प्रश्न बनाए इंटरोगेटिव, तब भी वही बात, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब आप इसको लिख सकते हो कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था। चारों बन गए इसके, जैसा मैं होमवर्क करने को देता हूँ, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हैड पहले आएगा। अब देखो ना कौन सा काम पहले हुआ, बोलो, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अभी तो पूछ रहा है क्या, तो अब तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा काम पहले हुआ पता ही नहीं चल रहा है, फिर भी उम्मीद है कि रोगी पहले मर चुका था, लोग बोल रहे हैं, तो आप इसे ले लो पहले पास्ट परफेक्ट में, है ना। लोगों को उम्मीद है, तभी तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी कि रोगी मर चुका है इस समय। तो हैड द पेशेंट डाइड, और डॉक्टर के आने से पहले, यानी कि बिफोर द डॉक्टर केम, हैड पहले लगा दिया है हमने, ये प्रश्न बन गया, है ना। जैसे बीन लगाने वाला अगर आएगा ना, बीन शब्द का प्रयोग, तो उसको अभी नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। जैसे एक लास्ट एग्जांपल कर लो, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। जैसे क्या उसने पहले ही अपना काम कर लिया था, तो अब यहाँ क्या पहले, तो हैड तो पहले आएगा ही, है ना। हैड ही, अब एक ही बात है, पूरा एक ही है, इसमें दो पार्ट नहीं नज़र आ रहा। क्या उसने पहले ही अपना काम कर लिया था, तो हैड ही, अब यहाँ पर देखो, हैड ही ऑलरेडी, पहले से ही ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क या कंप्लीटेड हिज वर्क, कंप्लीटेड हिज वर्क, हैड ही ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज वर्क, वर्क या टास्क जो भी दिया गया हो, है ना। तो चलिए होमवर्क लिखते हैं, ताकि घर से कुछ काम करके आएं। क्या है, लिखना शुरू करिए एक एक करके। मेरे आने से पहले राम सो चुका था। जैसे जब मैं स्कूल पहुंचा, क्लास शुरू हो चुकी थी। जैसे वर्षा रुकने के बाद मैं स्कूल पहुंचा, ठीक है। जैसे
वह आया परंतु उसकी पत्नी पहले ही जा चुकी थी। जैसे जाने से पहले उसने अपने बच्चे को चूमा। जैसे मेरे बोलने से पहले उसने मुझे चेतावनी दी। ठीक है, हाँ, जैसे जैसे सूर्य निकलने के बाद मैं घर से निकला। जैसे इसके पहले मैंने मांस नहीं खाया था। जैसे भारती इसके पहले कई बार हरिद्वार जा चुकी थी। जैसे आपने पहले ही चाय पी ली थी। जैसे मैं मोदी जी से कई बार मिल चुका था। जैसे ट्रेन बहुत पहले ही खुल चुकी थी। जैसे मेरा भाई तुम्हें कई बार चेतावनी दे चुका था। जैसे जैसे बारात बहुत पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। जैसे वह पहले ही अपना काम पूरा कर चुका था। जैसे
वह पौधा लाने से पहले गड्ढा खोद चुका था, है ना। जैसे वह मूंगफली खाने से पहले उसे भून चुका था, है ना। जैसे सीता बचपन से सुंदर थी, जैसे उसने 10 वर्षों से शराब नहीं पी थी, जैसे शादी के दिन से ही वह अप्रसन्न था। ठीक है, 20 हो गया। जैसे 21, वह 10 वर्षों तक उस मकान में रह चुकी थी, जैसे मैंने 10 वर्षों तक सेना में काम किया, लेकिन उसके बाद किसान बनना चाहा। जैसे मैं बचपन से इतना बुद्धिमान नहीं था, जैसे और क्या करेंगे, कितना होगा 24। बचपन में लिखो आप, से करोगे तो बीन लगाना पड़ेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैं उससे बात करने से मैं उसे बात करने से पहले पीट चुका था। चलो लास्ट आज 25 ही लिखो। 25 में हम लोग हरिद्वार जाने से पहले कुल्लू
मनाली जा चुके थे। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन है जिसका आपको नेगेटिव भी करना है, जिसका आपको इंटरोगेटिव भी करना है और जिसका आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव भी करना है, यानी कि नहीं लगा के भी बनाना है और क्या लगा के भी बनाना है और क्या और नहीं लगा के भी बनाना है। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है, आप इसे करेंगे तो करते करते ही आपको पास परफेक्ट का काफ़ी बढ़िया अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है,